जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार हाँ, बताइए एक्चुअली मैम, बताइए। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और लव मैरिज से। कंप्लीट हाँ, अरेंज प्लस लव मैरिज मतलब 15 साल लव मैरिज अरेंज थी, अदर कास्ट। और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा मेरा 15 साल का है, मतलब अब तो 16 साल हो गए, बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी मेरी 6 साल याद की है। रखे, जो भी लाइव आ रहे वो याद रखे, कहीं आपका पति ना देख रहा हो आपको, कहीं भी वेव डेस्क बनाने के लिए तैयार हो जाए तो वही चीज बताए जो सच हो। सच बोलते हैं सर। मैं तो खैर, सुनिए सुनिए, पहले मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर मुझे छोड़ दिया अप्रैल मैं में। आपको 5 मिनट दूंगा, मैं 5 मिनट ही दे पाऊंगा, एक एक को मैं 5 5 मिनट मैं ही दे पांच मिनट पाऊंगा। में कंप्लीट कर दूंगी, 5 मिनट में। मैंने बताइए आपको बहुत बताइए लाइक करा है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने जी। मुझे लास्ट ईयर छोड़ दिया और दोनों बच्चे मेरे पास हैं। उसके बाद बेटे को बहला जी फुसला के 2 महीने अपने पास ले गया था, फिर उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी, मैंने भी कंप्लेन करी, लेकिन जी उसने मेरे खिलाफ कई केस डाला है कोर्ट में। प्रॉपर्टी जी मेरे नाम थी, तो मेरे नाम उसने प्रॉपर्टी का केस डाला हुआ है। वैसे तो जी मेरे लॉयर हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही है, लेकिन पैसा जी उसने पे करा है। वो ये कह उसने हाँ ओके अपना कोर्ट में लगाया है कि पैसा मैंने दिया है। तो मेरा बार बार जी आपसे यही सवाल था कि अगर पैसा उसने दिया भी है और मैं भी शुरू से वर्किंग रही हूँ और घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले, तो क्या वो मेरे से देखो, प्रॉपर्टी छीन सकता है जहाँ की दो मेंटेनेंस कंडीशन के नाम पे मुझे कुछ नहीं दे रहा है। होती है यहाँ पे अप्लाई। एक तो 26 होता है जो कि अपना उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत होता है, उसमें 1956 में जो प्रॉपर्टी लॉ बना हुआ उसमें एक तो होती है, अगर अपन किसी के नाम कर देते उसकी प्रॉपर्टी होती है। सेकंड एक होती है अगर 23 सेक्शन का अगर आप उसमें हवाला देते हैं, वह मेरी वाइफ, कई बार होता है ना कि वाइफ के नाम करते हैं लेकिन वाइफ का कोई अर्निंग वगैरह कोई सोर्स नहीं होता है, तो वो उसके नाम ठीक से उसी तो उनको वो रिटर्न हो जाती है। बाकी 99% ये होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है उसी की होती है। सर, मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे 1% भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा। मेरा छोड़ो, मेरे बच्चों का भी नहीं दे रहा कुछ भी। मेरे पास 2 बच्चे हैं और 15 महीनों से हम सेपरेटेड हैं, और हमने एक नोटरी नोट, हमारे जो वकील हैं वो हमारे नोन के थे, उन्होंने एक नोटरी पे एक अग्रीमेंट बनवाया था कि भाई वो मेरे को 30,000 रुपये महीना देगा, मैं उसको प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी, लेकिन वो मुकर गया विद इन 15 डेज। सेकेंड नोटरी बनी, उसमें भी इसने कमिटमेंट करा कि मैं तीनों प्रॉपर्टी पूरा, मेरे को कोई खर्चा नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन अब वो ऐसा कोई कमिटमेंट विल कर रहा वगैरह है। थोड़ी बना हुआ, ऐसा कोई विल थोड़ी बना हुआ आपका जिसमें कोई 23 का कोई एक्शन वगैरह किया गया कि भाई अगर हमारे बीच में कोई मतभेद होगा तो मेरी प्रॉपर्टी में रिटर्न कर लूंगा, ऐसा? नथिंग सर, नथिंग सर। हाँ तो और फिर कोई सर, दिक्कत प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं से फिर तो। ही ली गई थी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि उसमें सर जाके मेंशन किया मैं जाता है एक बार। लॉ पर की पढ़ाई कर रही हूँ फर्स्ट ईयर, और आपकी सारी वीडियोस देख के बहुत सारी सीखने की कोशिश कर रही हूँ मतलब सीख चुके कि हम मैं। प्रॉपर्टी को जाने नहीं देंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रॉपर्टी हम तो बस वकील ही बनना हुए। सर, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं है, एक्चुअल में मेरे 2 बच्चे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अगर वो 1 रुपया नहीं दे रहा तो प्रॉपर्टी मैं उसको कैसे और क्यों दूँ? मेरे बच्चों का हक है सर। नहीं ऐसे भी नहीं मिलेगी ना प्रॉपर्टी, जब 2 बच्चे हैं आपका, शादी 15 साल ही हो गए तो फिर तो ऐसे नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, एक तो 23 का ही हवाला हो सकता है मैम, इसी वजह मिलती है। जब आपका ऐसा कुछ बीच में लिखा सर, पढ़ाई है आपने नहीं मेरे फिर तो सूट का आपकी केस डाला है, सूट फाइल करा क्या है, सिविल सूट सूट बोलता है फाइल उसको, करा है, सिविल सूट इक्कीस बोलते हैं, लाख सिविल का सूट, सिविल सूट। सिविल सूट हाँ फाइल करा है, 61 लाख का। इसमें 37 ऑर्डर में है, सिविल सूट 37 में डाला होगा, रीड करना। सर यार, नहीं अभी तो मेरी शुरुआत है पढ़ाई की। हाँ एक्चुअली में वो मेरे पास सिविल कल सूट ही होता है, डॉक्यूमेंट रिकवरी के आया, लिए रिकवरी होता है, रिकवरी होता है, के रिकवरी लिए के लिए डाला होता है है उसने। एक्चुअली में उसने और कुछ भी नहीं डाला, उसने सिर्फ प्रॉपर्टी की मैम। डिमांड करी है, उसने बच्चों की डिमांड नहीं करी, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के पैसे मैंने दिए, मेरी प्रॉपर्टी रिकवर कराई जाए। मेरा 30,000 कोर्ट में केस है। नहीं आप वकील से रिप्लाई दिलाइए उसका पूरा एग्रीमेंट के साथ सब कुछ, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो तो सिविल सूट है, जैसे मामला सिविल है तो। सर, मेरा कहना मतलब ये है कि मेरा केस है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है, अभी 2 डेट पड़ी है, मैं तो एक बार भी नहीं गई हूँ। ये कहना चाह रही हूँ लगा दो ना आपसे, उसको, स्टे पे लगा के क्या छोड़ दो, प्रॉपर्टी हाँ, ये आपकी कहीं नहीं एग्री जो जाने वाला मैडम, नोटरी, प्रॉपर्टी। सर नोटरी पे अगर उसने साइन करे हैं प्लस उसने फोटो लगा के रजिस्टर पे भी साइन करे, तो क्या वो छीन सकता है मुझसे? नहीं, आपके प्रॉपर्टी जाएगी नहीं मैम, प्रॉपर्टी जाने का सर एक दो ही कारण होता है उसका, 26 की एक एप्लीकेशन होती है उसमें एक एग्रीमेंट अलग से बनता है, तो वो उसने कुछ अगर नहीं वो कराया वाला था। नहीं बना हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी उसी का हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं।
बस थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।